आगामी 22 तारीख बेलू दक्षिण पश्चिम बंगोपसगर अंचल एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही प्राथमिक स्तर में उत्तर पूर्व दिगरे गति कर संभावना थे केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल आहुरी घनीभूत हो 24 तारीख बेलू एक अवपात परिणत होवार संभावना रही आगामी 22 तारीख बेलू दक्षिण पश्चिम बंगोपसगर अंचल एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही है। अधिक सूचना पाई आम सहित फोन लाइन रे अछंती चिन्मयी साहू। चिन्मयी, 20 तारीख पर तापमात्रा वृद्धि हेबो बोली पूर्वरु कहा जायतिला किंतु वर्तमान पाणीपागरे परिवर्तन रो संभावना देखा देछि। 22 तारीख रे बंगोपसगर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि, कोन अधिक सूचना मिलि पारुछे बाबदरे पाणीपाग विभाग तरफरु? देखो जी कह उपकूल ओडिशार तापमात्रा तो बढ़िकी अधिक रही जदि आम देखुचे 4-5 दिन पर्यंत उपकूल ओडिशार हॉट एंड ह्यूमिडिटी स्थिति रहिबो। 20 रु आभ्यंतरण ओडिशार ग्रीष्म प्रवाह अनुभूत हो किंतु गोटे अपडेट आसी आगामी 22 तारीख बेलू दक्षिण पश्चिम बंगोपसगर अंचल एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही प्राथमिक स्तर में उत्तर पूर्व दिगरे गति कर संभावना थी बेले केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल आहुरी घनीभूत हो 24 तारीख बेलू अवपात परिणत होवार जहां संभावना वर्तमान जमापड़ी जो 22 तारीख बेलू दक्षिण पश्चिम बंगोपसगर गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो तार दुई दिन पर अर्थात 24 तारीख बेलू घनीभूत जदि कह घनीभूत हो केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल यह घनीभूत हो पारे जहां पूर्वानुमान करणिपाग विभाग और यार फल 24 तारीख बेलू अवपात रूप नेब जदि कह पागर पर आसवर जहां संभावना रही जहां पाणीपाग पक्ष वर्तमान सुधा आकलन कर ओके पागरे परिवर्तन आगामी 22 तारीख बेलू दक्षिण पश्चिम बंगोपसगर अंचल लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही 24 तारीख बेलू वर्षा होगा नहीं पाणीपाग विभाग आकलन कर बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर समस्त सूचना पाई चिन्मयी। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।